ये है दुनिया की द मोस्ट लग्जूरियस दाल मखनी, 24 कैरेट गोल्डन तड़के वाली दाल मखनी मैंने ट्राई की दुबई में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आमचे मुंबई। मेरा नाम है मेहुल इंगू और आज मैं आपको लेके आया हूँ शेफ रणवीर ब्रार के कशकन रेस्टोरेंट में। शेफ की कुछ मैजिकल डिशेस का जायका मैं आप तक पहुँचाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो शाहनवाज, कैसे हो आप? हाय, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस टुडे। सो शाहनवाज, बताइए आज हम क्या क्या ट्राई करने वाले हैं कशकन में? हम सबसे पहले शुरू करेंगे चाट से। okay. हमारी ऑथेंटिक चाट जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ऐसी चाट है जिसकी शेप ही हमने यूनिक बनाई है और काफ़ी लोगों ने हमारी शेप देख करके लोगों ने भी ये शेप इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया मार्केट में। और जो हमारी चाट है उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमारे मुरब्बे जो हमने इसमें डाले हुए हैं, यूनिक मुरब्बे जिसमें एप्रिकॉट का मुरब्बा है, अंजीर का मुरब्बा है। अच्छा, और मिंट सॉस है, हमारे टैमरिंड सॉस है, ग्रीन चटनी ऑथेंटिक है, इसको वो बहुत अमेजिंग बनाती हैं। तो ये जैसे टेस्ट करते हैं तो ये हमारी बेस्ट सेलर भी है ये डिशेस। Okay. और इसका अमेजिंग टेस्ट ही लोगों को हमारी तरफ बहुत ज़्यादा खींचता है। क्या बात है जी। और ये है केल चाट, केल चाट क्रिस्पी केल चाट। केल चाट केल लीव से बनाया गया है। okay. और लोग पालक पत्ते की चाट खा खा के बोर हो चुके हैं, कुछ तो शेफ ने इसीलिए यूनिकनेस लाई है कि केल चाट खिलाते हैं लोगों को और हम इसको क्रिस्पी कह रहे हैं और इसको प्रूफ करते हैं वाइल ब्रेकिंग इट। ये देखिए गाइस, लुक एट द, यू कैन हियर द क्रंच। यस, अमृतसरी सोया चाट। ये है अमृतसरी सोया चाट। हाँ जी, वैसे तो सभी लोग खा सकते हैं लेकिन स्पेशली वेजिटेरियन जो खाते हैं खाना उनके लिए अमृतसरी सोया चाट बहुत अच्छा है कि एक तरह का वेज मीट है वो। क्या बात है, स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ अमृतसर। करेक्ट करेक्ट। और इसकी जो मैरिनेशन है, रेड मैरिनेशन इसको किया गया है, थोड़ा सा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये हम सर्व करते हैं मैंगो चटनी के साथ, यूनिक मैंगो चटनी है हमारी। उसके साथ हम इसको सर्व करते हैं। सो ये रही दाल कशकन। ये देखिए गाइस, दाल कशकन संदूक में सर्व हो रही है जी। और इसमें यूनिकनेस ये है, ये बाकी लोगों से अलग क्यों है ये कशकन की दाल कशकन क्यों है? क्योंकि शेफ कहते हैं कि अगर मैं खाना इंडिया से दुबई लेके आ रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ टच करना चाहिए इंडिया से दुबई के लिए। दैट्स व्हाई ही इज गिविंग दिस 24 कैरेट डस्टेड गोल्ड घी ऑन द टॉप। अमेजिंग अमेजिंग गाइस, ये देखिए 24 कैरेट गोल्ड, क्या बात है। इसी तरीके से हम लोग शेफ का खजाना, शेफ रणवीर का खजाना टेबल पर प्रेजेंट करें। क्या बात है, ये देखिए गाइस क्या अमेजिंग लग रही है दाल, और ऊपर से देखिए गोल्ड गोल्ड डस्ट, एक दुबई का टच दे दिया है शेफ जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको हमने देसी घी में इन्फ्यूज़ किया है गोल्ड डस्ट को। और ये दाल सोने का सुनहरा तड़का हमारी दाल को सबसे अलग बनाता है और लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। क्या बात है जी, बाद में नहीं कहना कि शेफ रणवीर ने बताया। इंस्पिरेशन क्या थी कशकन के पीछे और इसकी जर्नी के बारे में बताइए। कशकन की जो इंस्पिरेशन है, जैसे शेफ कहते हैं हमारे के शेफ को पूरे इंडिया का खाना सर्व करना है। अच्छा, हाँ, तो कशकन का मतलब ही है कश्मीर टू कन्याकुमारी। कशकन, ओके, कशकन, सो हाफ पार्ट ऑफ कश्मीर टू एंड हाफ पार्ट ऑफ कन्याकुमारी। ओके, देन शेफ ने इसको बनाया कशकन। कशकन, तो कश्मीर टू कन्याकुमारी पूरे इंडिया का खाना यहाँ सब होता है, जैसे आप मेन्यू में भी देख सकते हैं। क्या, हर जगह का खाना है, कश्मीर का है, पंजाब का है, वेस्ट बंगाल का है, कन्याकुमारी का है, साउथ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया का, सारा खाना अवेलेबल है यहाँ पे। और ऑथेंटिक है, कोई फ्यूजन नहीं है। ओके, कुछ नहीं है, ऑथेंटिक खाना रखा। ओके जी, और ऐसी क्या बात है कशकन में जो दूसरे रेस्टोरेंट से इसको स्टैंड आउट करती हैं? मतलब दुबई में बहुत सारी रेस्टोरेंट्स हैं, तो ऐसी कुछ स्पेशलिटी क्या है कशकन की? मैं स्पेशलिटी कशकन की ये बताऊँगा आपको, जो शेफ़ ने ऑथेंटिसिटी रखी, ऑथेंटिक फूड जो सर्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि हम लोगों ने मसाले जो हैं इंडिया के यूज़ किए हुए हैं मसाले, और हमारा जो ज़्यादातर मटेरियल है वो हम लोगों ने इंडिया से ही मंगाया हुआ मटेरियल यूज़ किया हुआ। और शेफ़ का जो पैशनेट है, जो शेफ़ का प्यार है इंडियन कुजीन से, वो स्पेशल है इस, और वो कशकन को बहुत स्पेशल बनाता है। ओके, क्या बात है। और हमारी कंसिस्टेंसी बहुत ही, कि जैसा खाना हमने शेफ़ ने हमको ट्रेन करके सिखाया हुआ है, शेफ़ ने रखा हुआ है, मेन्यू की रेसिपीज़ हैं वो सब वैसी ही हैं, कोई चेंजेस नहीं, एकदम ऑथेंटिक है जी। क्या बात है,
तो चलिए जायका लेते हैं कशकन के अमेजिंग फूड का और आप तक पहुंचाते हैं। सो पहले मैंने ट्राई की कशकन की सिग्नेचर आलू टिक्की चाट और इसकी पहली बाइट लेते ही मैं पहुंच गया लखनऊ की गलियों में, इतना ऑथेंटिक फ्लेवर था। फिर आया केल पत्ता चाट और शेफ रणबीर ब्रार की स्टाइल में बोलूं तो एकदम क्रिप्सी क्रिप्सी और फुल ऑफ फ्लेवर्स था। और फिर मैंने ट्राई किया अमृतसरी सोया चाप जो कि मसालेदार जूसी और बिल्कुल मेल्ट इन योर माउथ काइंड ऑफ था, मज़ा आ गया। फिर आई इनकी हीरो डिश 24 कैरेट गोल्ड वाली दाल मखनी जो कि क्रीमी और फ्लेवरफुल थी। गोल्डन तड़के ने इस डिश को एक रॉयल टच दे दिया। But the icing on the cake was the pan mousse dessert. It was so heavenly. इस डिजर्ट ने मेरे पूरे एक्सपीरियंस को चार चांद लगा दिए। कशकन सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक के स्वाद का सफर है। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।